हेलो फ्रेंड्स, मौसम बदल रहा है और बदलते हुए मौसम के साथ साथ कई बीमारियां भी हमारे दरवाजों पर दस्तक देती हैं, जिनमें से एक है टॉक्सिलाइट। ये बीमारी में हमारे गले में काफी सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से खाने पीने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। आज मैं आपकी दोस्त नायर अपनी इस वीडियो के जरिए आपको यही बताऊंगी कि टॉक्सिलाइट होने पर आप कैसे प्याज के रस और गर्म पानी से गरारे करके इन्हें ठीक कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं आज इस पेय पदार्थ को बनाने के कुछ तरीके। उसके को आजमाने के लिए आपको जरूरत है एक प्याज की और एक कप गर्म पानी की। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को काट कर उसे मिक्सी के अंदर पीस लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। अब गर्म पानी के अंदर इस रस को मिलाइए और इससे धीरे धीरे घूंट भरते हुए गरारे कीजिए। अगर आप इस गरारे को करते हैं तो हो सकता है कि आपके गले की सूजन और दर्द ठीक हो जाए, लेकिन अगर इस गरारे को करने से आपको ज्यादा तकलीफ होती है तो इस गरारे को बिल्कुल भी ना दोहराएं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ये नुस्खा फायदेमंद ही रहे, क्योंकि हमारा शरीर अलग अलग है, इसलिए हमारे शरीर की जरूरतें भी अलग अलग हैं। अगर ये नुस्खा आपके गले को शांत नहीं कर पाता है तो डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इस नुस्खे को आजमाएं। सो फ्रेंड्स, ये था वो नुस्खा जिसका इस्तेमाल करके आप टॉक्सिलाइट को अपने आप से दूर कर सकते हैं। इस नुस्खे को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।